नमस्कार, स्वागत है आपका फर्ज न्यूज इंडिया में। मैं स्वाति, और आइए रुक करते हैं अब तक की बड़ी खबर पर। अर्श पब्लिक स्कूल इटाई बाजार में गणतंत्र दिवस में बच्चों ने दिखाया अपना जलवा, जिसमें उपस्थित सभी नगरवासी भी मौजूद रहे। प्रबंधक राम आश्रय पटेल, उपाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, प्रधानाचार्य बिंदु देवी एवं आकाश पटेल और समर्थक अध्यापक गण उपस्थित रहे। जौनपुर से हमारे संवाददाता रोहित चौबे की रिपोर्ट। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही स्क्रीन पर बनी बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, तो इसी कड़ी में आप लोगों के बीच अगला कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है। तो अगले कार्यक्रम में भाग लेने वाली बच्चियां हैं सुमन अंजलि पटेल। मैं मैनेजर अर्श इंटर कॉलेज टाइम बाजार जौनपुर जी। इस 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में अर्श पब्लिक स्कूल में जो कार्यक्रम चल रहा है, सांस्कृतिक कार्यक्रम जो चल रहा है जी, इसको देखने के लिए हमारे गांव से, बाजार से और अगल बगल क्षेत्र के लोग आए हुए हैं जी। और मैं तो इस गणतंत्र दिवस और 26 जनवरी की देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। और कुछ देश के बारे में कहना चाहते हैं गुरु जी? देश के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ जी, सब पढ़े और देशवासियों को साथ में लेकर साथ में चलना है। जब हमारा विकास है, हमारे क्षेत्र का विकास है, तभी तो देश का विकास होगा जी। तो सभी लोग देश में लगे और देश के प्रति अपना जिम्मेदारी समझे और सुनिए। मैडम जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? मैं आर्ट्स पब्लिक स्कूल इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य हूँ जी, बिंदु देवी जी। और मैं तो पहले उन शहीदों को आज के दिन 26 जनवरी हमको दिया है, और ये हमारा गणतंत्र दिवस जो है, हमारा जो संविधान बना हुआ है जी। पहले तो हम भी वहाँ बैठक को भाई धन्यवाद कहेंगे जी। और 26 जनवरी के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम होता है, उन बच्चों को भी धन्यवाद जी। और कुछ कहना चाहते हैं? और कुछ कहना चाह रहे हैं ये कि भाई शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा ही सब कुछ संभव है, किया जा सकता है। शिक्षा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आपका शुभ नाम? बिंदु देवी पटेल। हरियाणा के अम्बाला में अम्बाला साहा रोड पर खुड्डा कला में सरकारी स्कूल के पास बस पलटने से दर्जनों यात्री घायल हो गए। रोड पर काम चलने के कारण सड़क पर बना गड्ढा कोहरे के कारण न दिखने की वजह से यह हादसा हुआ। बस यमुनानगर से चंडीगढ़ जा रही थी। घायलों को अम्बाला छावनी के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हरियाणा से हमारे संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? ये ये
ये एक्सीडेंट किस जगह हुआ कुछ पता आपको? अच्छा खुड्डा से आगे जाके है सर पाँच से पाँच जा रहे थे सर मेरे को बुलाना छः अम्बाला काम जाना है जाना 35 ये कैसे हुआ सर वहाँ पे रोड बन रहा सर वहाँ पे दिखाई नहीं दिया ड्राइवर को नीचे उतर के पास की सर किस जगह की बात है ये खुड्डे के पास में खुड्डे के पास कितने लोग थे बस में तो बस में सर सभी बस लोग सीटों में बैठे हुए किसकी लाख रुपये मानते हैं सर ये तो कॉन्ट्रैक्टर की है क्योंकि उन्होंने कोई एरो का निशान नहीं लगाया ना ताकि ड्राइवर को पता लगे रोड इधर से मुड़ा हुआ है नारीबारी चौकी के अंतर्गत धनंजय सिंह एवं देवकरण पटेल इंटर कॉलेज देवरी बरगाही नारीबारी में 71वां गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसपी सिंह चौधरी पूर्व प्रधानाचार्य तथा विशिष्ट अतिथि चौकी प्रभारी जग नारायण रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के संरक्षक धनंजय सिंह एवं पूर्व प्रधानाचार्य शिवाजी इंटर कॉलेज पटेल नगर ने किया। विद्यालय में ध्वजारोहण मुख्य अतिथि एसपी सिंह चौधरी के कर कमलों द्वारा किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ मुख्य अतिथि ने सरस्वती जी की पूजा अर्चना व दीप प्रज्वलित करके किया। बच्चों के द्वारा अनेक रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम का संचालन सत्य नारायण सिंह सहायक अध्यापक ने किया। कार्यक्रम में राजेश कुमार केसरवानी कुंवर बहादुर सिंह दयाशंकर यादव शिव सखा द्विवेदी जय सिंह रावेंद्र कुमार तिवारी मनोज वर्मा समेत सभी अध्यापक अध्यापिका एवं कर्मचारी गण उपस्थित रहे। प्रयागराज से हमारे संवाददाता गिरिजा शंकर सिंह की रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम मनाया गया, इससे आपको क्या सीख मिली है? हमारे विद्यालय में आज गणतंत्र दिवस का समारोह बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और जिसके अंतर्गत हमें बहुत सारी सीख मिली, जैसे अशिक्षा और स्वच्छता अभियान संबंधी कार्यक्रम आयोजित किए गए और हमें हमारे विद्यालय में वीर सपूतों और
जवानों के बलिदान को याद किया गया और जिसके अंतर्गत हम यह सीख ले सकते हैं कि हमें अपने पूरे प्रयास और त्याग से देश की सेवा करनी चाहिए और उसके विकास के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। और इससे संबंधित क्या क्या जानकारियां मिली हैं? हमें इस गणतंत्र दिवस के अंतर्गत बहुत जैसे यहाँ विद्यालय में आज तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित हुए हैं और नाटक नृत्य गीत, इससे क्या सीख मिली है? हमारे विद्यालय में बहुत सारे नाटक हुए जिसके अंतर्गत यह सीख दी गई कि स्वच्छता संबंधी नाटक हुए और अशिक्षा संबंधी नाटक किए गए और जिसके अंतर्गत हम यह समाज को यह सीख दे सकते हैं कि शिक्षा बहुत ही जीवन में आवश्यक है। बिना शिक्षा के हम अपना विकास और अपने देश का विकास नहीं कर सकते, इसलिए यह बहुत ही आवश्यक है कि हमें अपने समाज को देश को शिक्षित करना बहुत जरूरी है। इसके अंतर्गत हम यह कर सकते हैं कि देश का प्रत्येक नागरिक शिक्षित हो जिसके तहत वह अपनी जिम्मेदारियों और को समझे और देश के विकास के लिए अपना सहयोग दे। एक नाटक प्रस्तुत हुआ नशा मुक्त राष्ट्र, इससे आप लोगों को क्या सीख मिली है? जैसा कि हमारे विद्यालय में नशा मुक्त भारत के लिए एक नाटक प्रस्तुत किया गया जिसके अंतर्गत हम यह सीख ले सकते हैं कि जो आज हमारे गांवों में और बहुत सारे ऐसे अशिक्षित वर्ग के व्यक्ति हैं जो शराब पीकर घर में अनेक तरह की क्रियाविधि करते हैं और जिसके अंतर्गत वो हमारे समाज में एक विशेष प्रकार की कुरीति हैं जिसके अंतर्गत वो अपनी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते और साथ ही साथ अपने जो भावी पीढ़ी हैं उनके सामने यह इस तरह का व्यवहार करते हैं जिसके अंतर्गत वो जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी उन्हीं का अनुसरण करके बहुत सारी अनेक तरह की आदतें पकड़ सकती हैं और जो हमारे आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही खराब आदत है। इसलिए इसके अंतर्गत हमें अपने देश के लिए और जो गांव के व्यक्ति हैं उन्हें यह बताना चाहिए कि जो शराब है ये बहुत ही अभिशाप है हमारे भावी पीढ़ी के लिए। आपका नाम? सर मेरा नाम अभलाकर कुमार, मैं कक्षा 12 में पढ़ता हूँ और गन्ने से आता हूँ। आज न्यूज़ प्रयागराज से शंकर सिंह रिपोर्ट। तभी के समाचार जानेंगे आगे के समाचार छोटे से ब्रेक के बाद। मैं विद्याकांत सांवरे लाल तिवारी, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता। मैं समस्त जनपद वासियों को गंगा जमुनी तहजीब के ऊपर ये बोलना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ, बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, बहुत सारा हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करना चाहता हूँ कि आज जो हमारे सामने गणतंत्रता दिवस आ रहा है, ये गणतंत्रता दिवस ये गंगा जमुनी तहजीब का ही परिणाम है जो हम आज गणतंत्रता दिवस मनाते हैं और अपने देश के अंदर में इस गंगा जमुनी तहजीब को लेकर के हम अपने जीवन को बिता रहे हैं और हमारा समाज, हमारी सामाजिक समरसता बहुत आगे की तरफ बढ़ रही है। केडीएम पब्लिक स्कूल देवा की तरफ से समस्त ग्रामवासियों और देशवासियों को गणतंत्र दिवस व बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। विद्यालय परिवार समस्त ग्रामवासियों और देशवासियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हमारा विद्यालय परिवार समस्त ग्रामवासियों और देशवासियों का स्वागत एवं अभिनंदन करता है।
हमारे विद्यालय का पता है देवा धनुपुर खंडिया प्रयागराज। डिवाइन सैनिक स्कूल बोलिया क्रॉसिंग लहरतारा वाराणसी की तरफ से गणतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। निवासी हडिया का आप सभी क्षेत्रवासी व राष्ट्रवासियों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस और आने वाले बसंत पंचमी की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं व बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, आज बड़ा हर्ष उल्लास के साथ हम लोग गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मना रहे हैं। ये हमारे देश के वीर सेनानियों के अमर गाथा का पहचान है, जिसकी वजह से आज हम लोग अपने संविधान को मना रहे हैं। और ये गर्व की बात है कि पूरे दुनिया में भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान बनाया गया है। गर्व की बात है ये। और मैं साथ ही साथ सभी गुरुजनों को भी शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि जो दिल्ली के सिवा हर विद्यालयों में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, उसके माध्यम से पूरे राष्ट्र में सभी छोटे बच्चे, बड़े बच्चों और साथ साथ अभिभावकों के साथ आम जनमानस में भी ये गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इसके लिए मैं सभी गुरुजनों को हार्दिक तल से अपने की जो राष्ट्र के प्रति सभी बच्चों का और अभिभावकों का स्नेह जो जागृत करने का बीड़ा उठाया है, वो सभी लोगों के बीच में पनप रहा है, एक संदेश देना चाहता हूँ। भारत जागो, विश्व जगाओ और दिव्य रूप प्रकटाओ। मैं आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बताना चाहता हूं कि मैं धवल त्रिपाठी, निवासी जगुआ सोधा, तहसील हंडिया का हूं, और फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। फर्स्ट न्यूज इंडिया के दर्शकों को नमस्कार। हिमाचल प्रदेश की तरफ से आप, आपके परिवार को 70वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल, जय भारत। थैंक यू। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। 71वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय डंडेरा रुड़की में बाल मेले की प्रदर्शनी का आयोजन विद्यालय के द्वारा किया गया, जिसमें सबसे पहले प्रोग्राम की शुरुआत प्रधानाचार्य अरविंद कुमार सैनी ने ध्वजारोहण कर किया। जहाँ आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर विद्यालय में बाल मेले की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें एक साल की उपलब्धियों को प्रधानाचार्य के द्वारा आयोजन में आए सभी अध्यापक गणों एवं अतिथियों के सामने सुनाकर प्रस्तुत की गई। साथ ही बाल मेले का शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉक्टर तंजीम अली चीफ ट्रेजरी ऑफिसर के द्वारा रिबन काट कर किया गया। हरिद्वार से हमारे संवाददाता कवर सेन सागर की रिपोर्ट। और मैं इसी कड़ी में निवेदन करना चाहूंगा बच्चों के प्रति। बहुत ही सुंदर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया स्कूल के माध्यम से। मैं खासतौर से कहूँगा ऐसे एरिया में जहाँ बच्चे बहुत ही रिमोट एरिया से आते हैं, वहाँ ये एफर्ट करना निहायत ही मतलब एक तारीफ़ के काबिल है। मैं जो यहाँ के इंचार्ज हैं अरविंद कुमार जी, उनकी मैं खुले दिल से तारीफ़ करना चाहूँगा। मैं अक्सर देखता हूँ उनके फेसबुक पे के ऊपर भी कि बहुत ही इनोवेशन के माध्यम से वो जो टीचिंग का कार्य कर रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने बिल्डिंग को साफ़ सुथरा रखा हुआ है, वह काबिल तारीफ़ है। बच्चों ने बहुत सुंदर डिपिक्शन किया है। मैंने क्वेश्चन पूछे उससे काफ़ी, लेकिन बच्चों ने बहुत ही कॉन्फिडेंटली सभी क्वेश्चन का आंसर किया है।
सबसे अच्छा इस प्रदर्शनी में आपको सर सबसे अच्छा ये लगा ना कि बच्चे बहुत ही रूरल बैकग्राउंड से आते हैं लेकिन उनके अंदर फिर भी वो जोश और जज्बा है कि उन्होंने एक लिमिटेड रिसोर्सेज में के माध्यम से लिमिटेड रिसोर्सेज में रहकर भी जो चीज़ें यहाँ पे प्रदर्शित की हैं एग्जिबिट की हैं वो शहरों में बड़े बड़े स्कूलों में आमतौर बच्चे करते हैं। तो बच्चों को प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है, उन्हें थोड़ा सा और सुविधा मिले बच्चों को इस तरह की चीज़ें। कुछ लाइव मॉडल्स मैं कहूँगा इंचार्ज महोदय से, अरविंद से कहूँगा कि अभी तो सारे मॉडल्स जो है वर्किंग नहीं थे, इसमें से कुछ मॉडल वर्किंग भी बनवाएं उनसे, और मुझसे जो भी हेल्प की ज़रूरत होगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। वो वर्किंग मॉडल बच्चों को करें और इनको अगले स्तर तक यानी राज्य स्तर तक की प्रदर्शन बच्चों को लेकर जाएं। पहला प्रयास रहा है और कई हद तक मैं इस प्रयास में अपने आप को सफल मानता हूँ क्योंकि मेरे बच्चों ने पूरे मनोयोग से इस कार्य में किया है और मैं इस भविष्य में इससे बेहतर कार्य करने की कोशिश करूँगा। अभी जो प्रदर्शनी है मैं अभी आप विदित हैं 24 दिसंबर को रुड़की डाइट में अरविंदो सोसाइटी की ओर से एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था जिसमें मैं अपने विद्यालय सहित बच्चे सहित पूरे TLM प्रदर्शनी का मैंने अपने काउंटर वहां पे लगाया था और उसको सबने सराहा गया और आदरणीय CO सर डॉक्टर आनंद भारद्वाज जी की ओर से हमें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। ये मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए एक मोटिवेशन रहा। मैं कोशिश करूंगा यदि मुझे मौका मिलता है तो मैं बच्चों को आगे तक लेके जाऊंगा। बॉलीवुड का रास्ता हुआ आसान। जी हाँ, 2017 से प्रदेश के हुनरबाजों को उनके सपनों को साकार करने में लगा हुआ है प्रयागराज का अनवर ब्राइल स्टूडियो। यहाँ से कई कलाकार निकलकर बॉलीवुड में अपने हुनर का जलवा बिखेर रहे हैं और अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। कई सौ के अपार सफलता के बाद मिस्टर और मिस प्रयागराज का ऑडिशन संपन्न हुआ जिसमें कड़कड़ाती ठंड की परवाह न करते हुए बड़ी संख्या में प्रतिभागी ऑडिशन के लिए पहुंचे। इनकी हुनर को परखा बॉलीवुड की मेकअप आर्टिस्ट आफरीन अनवर के साथ ही में देश के मशहूर जादूगर हसन कमाल रिजवी सहित रवि इलाहाबादी और बॉलीवुड के कई चर्चित चेहरे उपस्थित रहे। प्रयागराज से हमारी संवाददाता कुमारी मनोज सिंह की रिपोर्ट। बच्चे मैंने भी देखा है कि ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनके अंदर बहुत ही प्रतिभा है। अभी लेटेस्ट ही है, अभी विद इन 2 डेज की बात है, एक लड़का सोनी डांस में सेलेक्ट हुआ है, सोनी चैनल के डांस में वो आया था, हम लोगों से मिल के गया, बहुत टैलेंटेड है। तो टैलेंट की कदर सही, अगर आप सही वे में खुद को प्रेजेंट करते हो, उस बच्चे को सोनी चैनल वालों ने इवन टिकट तक भेजा है क्योंकि सच में वो बहुत स्लिम फैमिली से बिलोंग करता है, आपके अंदर टैलेंट है। तो मुझे नहीं लगता कि आर्थिक प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब टैलेंटेड बच्चे दिखते हैं तो हम लोग भी हेल्प करेंगे जो हो सकता है। अगर सच में टैलेंट है तो उसको आगे बढ़ाना ये हर इलाहाबादी का फर्ज है। अगर आपको लगता है कि कोई बच्चा बहुत टैलेंटेड है और सिर्फ वो ड्यूटी मनी पैसे के वजह से आगे नहीं जा रहा है तो उसको एक बार जरूर हम लोगों से भी आगे कॉन्टेक्ट करना चाहिए और हर इलाहाबादी का फर्ज है कि उसको आगे बढ़ाना चाहिए। इलाहाबाद में इतना टैलेंट है, मुझे बहुत खुशी होती है जैसे इलाहाबाद से लोग आगे निकलते हैं, जैसे हसन मैजिशियन अपने इलाहाबाद से, कभी बाहर जाइए तो उनके बारे में सुनिए कि अच्छा वो हसन मैजिशियन, अरे वो मेरे शहर से मेरा फ्रेंड है, लाइक रवि इलाहाबादी, इन लोगों ने नाम कमाया। तो बहुत सारे इलाहाबाद से नाम कमा रहे, तो जब आप बाहर निकलते हो ना तो वो बड़े अपने से लगते हैं, घरों में वही लगता है यार मेरे शहर के हैं। तो इलाहाबाद से बहुत सारे टैलेंट है और सबसे बड़ा एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन जी हैं जो सदी के नायक हैं, कभी नहीं भूल सकते। करूँ या मॉडल बनूँ, लेकिन अगर मैं दिल्ली या मुंबई नहीं जा पा रही हूँ तो ये अनवर मतलब बहुत ही अच्छा, मतलब इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है कि मतलब छोटी जगह के लोग या जिनका ड्रीम है कि वो मॉडलिंग करें और वो दिल्ली मुंबई नहीं जा सकते, वह इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम है उनको या कुछ पैसे की प्रॉब्लम है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है, उनका ड्रीम पूरा हो जा सकता है। अगर हम अभी थोड़ा सा कुछ कर रहे हैं, यहाँ हम सेलेक्ट हो गए, अगर हम आगे कुछ बन जाते हैं तो हमारे ड्रीम के लिए बहुत अच्छा रास्ता है, हम आगे जाके बड़ी फील्ड में कुछ कर सकते हैं। मैडम एक चीज़ जानना चाहेंगे कि दिल्ली और मुंबई का जो आपका सपना है, क्या अनवर जो कराते हैं ये सब कार्यक्रम, तो एक पुल का काम कर रहे हैं वहाँ? हाँ बिल्कुल काम कर रहे हैं। अगर हम यहाँ सेलेक्ट होते हैं, नहीं भी होते हैं तो हमें कुछ सीखने को मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा, हम आगे और बड़ी जगह पे जाके कुछ कर सकते हैं। लेकिन बहुत अच्छा है इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, ये बहुत अच्छा है, हमें एक्सपीरियंस मिल रहा है। घर वालों का कैसा सहयोग रहता है?
देखिए अभी भी कुछ फैमिलीज हैं जिनके लिए ये मॉडलिंग या छोटे कपड़े पहनना या फिल्म इंडस्ट्री या बॉलीवुड में जाना बिल्कुल ही अच्छा नहीं मानते हैं वो, तो उनके लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन अगर हमारे मन में ड्रीम है तो हम एक कदम तो बढ़ा ही सकते हैं कि हमारे इलाहाबाद में ऐसा हो रहा है तो हम आगे आके कुछ करें। अगर हमारा ड्रीम है, पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, हो सकता है अभी नहीं कर रहे हैं, आगे जाके करें जब अच्छे मुकाम पे, जब सपने सच हो जाएंगे तो वो सारे चीजें आपके सामने। हाँ जरूर, वो सरिमा केशव मानी। और जैसे कि इलाहाबाद में जो हमेशा से ये रहा है कि एक छोटी सी जो यहाँ पे कमी थी वो यहाँ पे ये दिखती थी कि यहाँ पे कुछ ऑडिशन की जगह नहीं है, कोई ऐसी कंपनी नहीं है, कोई ऐसी एजेंसी नहीं है जो इस तरह के बड़े इवेंट करा सके। होते तो इवेंट 10 साल से आ रहे हैं, 20 साल से आ रहे हैं, लेकिन उसका जो बेनिफिट है लोगों को नहीं मिल पाया। इलाहाबाद में जो भी फंक्शन हुए, जो भी इवेंट हुए, वो नहीं तक सीमित रह गए, लोग बाहर नहीं निकल पाए। लेकिन अब जो जनरेशन है, अब जैसे जो नए लोग हैं, जैसे अमर भाई लोग हैं, इस तरह के लोग, इन लोगों ने ये नई चीज़ सोचा यहाँ के ऑडियंस के लिए, जो यहाँ यंग जनरेशन है, और उनको एक प्लेटफॉर्म दिया, एक सीढ़ी दिया। एक तरफ से ये है कि यहाँ पर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं या इनोवेटिव शो रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप विनर हो जाएंगे या स्टार बन जाएंगे। ये एक पहला स्टेप आपके लिए, एक छोटा स्टेप है, छोटी जगह छोटा स्टेप, लेकिन इसके आगे आप क्या कर सकते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। आप हो सकता है इसके बाद कुछ नहीं कर सकें, भूल जाएं, या हो सकता है आपको जोश आ जाए तो आप और आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी तरफ मेरी भी शुरुआत हुई थी शुरू में कि एग्जाम और टैलेंट में गए, फिर बिग बॉस में, तो धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। तो सबसे पहले क्या होता है, सीढ़ी मिलना, एक सही रास्ता मिलना, उसके बाद आपकी मेहनत रंग लगी, आपको खुद मेहनत करना होगा। आपको कैसा लगता है जब प्यार प्यार लौटते हैं, पहले नहीं देखने को मिलते थे इस तरह के शो? लग रहा है, मैं तो इतने इवेंट करता रहता हूँ, इतने शो में जाता रहता हूँ, लेकिन अब मुझे लगता ही नहीं है कि ये वो इलाहाबाद जो पहले था, अब एकदम जैसे बॉम्बे जैसे माहौल हो गया। अगर आप यहाँ भी माहौल देख रहे होंगे तो आपको कहीं से नहीं लग रहा होगा इलाहाबाद का, क्योंकि इलाहाबाद वैसा नहीं है जैसा जैसा है। तो दिल्ली बॉम्बे सब ऐसा लग रहा है कि इलाहाबाद में आ गया है। तो यहाँ पे जो कंटेस्टेंट है उनको आप उनका पहनावा देखिए, उनका स्टाइल देखिए, उनका बोलने का टेक्निक देखिएगा, तो ऐसा लगेगा प्रोफेशनल है बॉम्बे दिल्ली का। तो बहुत ज़्यादा एडवांस हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, किसी से कम नहीं। बस यहाँ पे छोटी सी प्रॉब्लम जो होती है, सपोर्ट नहीं उनके पास, ये कोई गाइडेंस करने वाला नहीं है, तो वो अब शुरुआत हो गई है, तराशने की जरूरत है। हाँ तराशना है। ये थे अभी के समाचार, आगे कुछ खास खबरों के लिए देखते रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया।